एसोसिएट स्पॉन्सर रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एवं फेस वॉश जुहान नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूल करमा मुखिया खबर नु समलपुर गुटका कारखाना जली पुड़ी जीवा घटना गुरुतर भितरु जने श्रमिक कर मरण मृत श्रमिक रामराज राउरकेला आईजीएच ने मृत्यु ओबीसी प्रसंग ने बीजेडी ऊपर बरसिला बीजेपी 40% अधिकार देबे कही करी ओबीसींकर कटाघानी चुन लगाले राज सरकार सियाड़े राज प्रभारींकर प्रतिक्रिया लोकंकर भावना संगे नाइकिलु बीजेडी आज 12 घंटिया सैंतला बंद ब्लॉक कांग्रेस कमिटी आड़ बंद है सहर राज ने बिगड़ी जाइथिबार आईन श्रृंखला आर नारी निर्यातना उपरे प्रतिवाद दुकान बाजार सब बंद मंडी अव्यवस्था के नहीं कि चाषीों असंतोष मंत्री को घेरले चाषी पचरले केबे सुधरिबा स्थिति केबे उठवा धान कटनी छटनी लगे धान उठुनैथिबार अभियोग बाद में बलांगीर वन विभाग दुर्नीतिखोर अधिकारी को देउचन सुरक्षा विजिलेंस साथे धरा पड़वा उतरु भी अधिकारी माड़ी बसीचन चौकी बर्षे खेला संबलपुर विजिलेंस एसपी को चिट्ठी उत्तर नहीं देवार बलांगीर डीएफओ नीतीश कुमार आरु राइज ने फेर 4 ओमिक्रॉन चिन्हट आक्रांत कर संख्या 8 के बढ़ी थी बार आईएलएस आड़ सूचना आगे बढ़ी पारे कटकना खबर के फिरमा संबलपुर गुटका कारखाना थी अग्निकांड घटना अग्निकांड ने गुरुतर जने श्रमिक घर मरण हेचे जह सीरियस थिबानु 13 श्रमिक राउरकेला आईजीएच ने भर्ती हेतिले मृत श्रमिक रामराज राउरकेला आईजीएच ने तांकर मरण हेतिबार सूचना मिलीचे गला 20 तारीख संबलपुर पर्धिया पाली ने थिबार गुटका कारखाना जली जाइथिला घटना ने 26 नु अत्का श्रमिक आहत हेतिबार बेलके हॉस्पिटल ने मरण संगे लड़ई करुचन 13 जन अत्का सीरीयस हेबानु राउरकेला आईजीएच ने तांको भर्ती करा जाइथिला हेले जने श्रमिक आज मरण हेतिबार बेलके 2 जन के दिल्ली चिकित्सा लागी एयर लिफ्ट करा जाइचे हेले सियाड़े पुलिस खाली कंपनी मालिक वैभव पांडे आर मैनेजमेंट उपरे मामला रुजू करिकिना चुप बसिथिबार अभियोग हेइचे जिलापाल गोटे 6 जनिया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेकिना 7 दिन भितर रिपोर्ट देवा लागि निर्देश देइछन हेले ई तदंतकारी टीम उपरे एबे संदेह होउछे बोलिकिना हेन लोक माने प्रश्न करिछन भाई जी क्या बताएं अचानक हो गया क्या बताएं क्या हादसा हुआ क्या फटा अभी ये नहीं मालूम अभी ये भी नहीं मालूम फटा क्या है अभी ये तक नहीं पता हुआ कि फटा क्या है ये नहीं पता है बाद में मालूम हो कैसा लगा जिस टाइम फटा ये अब कहां से जा कोई इंजर्ड हुआ मैं तो बहुत दूर था क्या लगा वहां आग हां मेरे सर में टोपी लगाए टोपी जल गई पूरी बाल वहां बचे नहीं बारो जल जात टोपी लगा टोपी भर मेली के जली है बस पूरी है नहीं यहाँ क्या करेंगे हम लोग मैंने इसका कोई देने वाला भी नहीं अगर कोई मिलता हो तो हम लोग अभी मैंने कहा जो कोई बात आए तो हम लोग अभी रुक सकते हैं और क्या है इसके आगे और तो कुछ है नहीं अगर जो कुछ क्लेम पे इसमें कुछ मिलना है नहीं ये सारे काम ऐसे जितने कंपनी में काम कर रहे हैं इसका कोई क्लेम नहीं है अब कहते हैं कि कोई क्लैंप नहीं है ये सब ऐसा चल रहा है अब कोई हादसा हो गया था अब इसका क्या किया जाए इसको तो हम तो नहीं जानते अब इसके आगे जो कुछ जो है आप इसका निर्णय निकालें नहीं निश्चित भाव में सरकार पदक्षेप नेवा कथा कारण जेपरी आप ठीक भाव में कहले गुटका प्रोडक्शन तो बंद अच्छी किंतु ये जो कंपनी माने असाधु व्यवसायी माने से माने अन्य उपाय रे बाईपास मेथड से जिनस कर गोटे पाउच करूँ जो थे खाली आमर जो सुपारी पार्टा रोच आर पार्टी जर्दा पार्टा रोचे से सब प्रोडक्शन करा फल से जेहेतु ओपनली करपार ना एपरी चोरा छुपा जगार करुँच जो जगार कि जो श्रमिक मैंने काम करते बहुत असुविधा कम कर जगह कम करने योग्य जगह नुहे तेणु से ये जो आम व्यतिक्रमटा है मला भाया जिनस आम ओडा राज्य अनेक जगार होेणु सरकार यहाँ प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही है यहाँ दृढ़ हस्त आमको दमन करार आवश्यकता रही है ओबीसी प्रसंग ने बीजेडी उपरे बरसिले राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती कहले 40% अधिकार देवे कहीकिना ओबीसी कटा घाने चून लगे राज्य सरकार शिक्षा आर चाकरी उपरे कहला संरक्षण दि नहीं जबार बोलिकिना से प्रश्न कर ओबीसी को राज ने केबे मिलवा सांविधानिक अधिकार अन्य राज बागिर ओडिशा काई जे सुप्रीम कोर्ट थी ओबीसी को लागिर नहीं लड़वार सुप्रीम कोर्ट रे स्पेशल लीव पिटीशन दखल करवा के मना करी थिला
दलरे पहला थर 27 तार परे 40 प्रतिशत कथा कहिकिना लोक मानकु ठकले नै हुए। सरकार केबे सबु क्षेत्र न ओबीसी को संरक्षण देबे तार उत्तर रखुन। बीजेपी पहला दिनु पछुआ वर्गक अधिकार लागि लड़ी आसुचे। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जुलाई 2019 ने चाकरी आर शिक्षा क्षेत्र ने संरक्षण अधिकार लागि चिठी लिखिथिले। जनवरी 2020 आर डिसेंबर मासे लिखले ओबीसी कमिशन बना जाऊ बोली कि ना से कहिथिले। कमिशन निर्धारित करबा राइज ने केते ओबीसी अछन हेले एते बछर धरी कि ना कमिशन कहाँ करुचे। सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकार एते बछर काई जे नै जिबार बोली कि ना से प्रश्न करिछन। पछुआ वर्ग को संवैधानिक अधिकार से वंचित करी संरक्षण देबु बोली कही निज दलर दलरे संविधान को दल को दलरे आमे अधिकार दबु 40% कही ये ओबीसी वर्ग को कटा घारे चून लगे सरकार संरक्षण दब सांविधानिक अधिकार राज्यर ओबीसी वर्ग को सरकार प्रदान करिवे सांविधानिक अधिकार सी सरकार एथिरे संपूर्ण रूपे ओबीसी वर्ग को अवहेलित करिसंती। एठी महत्वपूर्ण होची सरकार महत्वपूर्ण दल नुहे ओबीसी वर्ग को न्याय दबा पाई सरकार अपरपक्ष रे कौन करुछंती सरकार टाळटुळ नीति अवलंबन करुछंती। गतकाली कार्यकारिणी विजु जनता दल मीटिंग कला से केन्द्र उपरे एवं अन्य दल को आह्वान देले जे आमे दौछु तुमे दियो कथा होची विजु जनता दल बदे भूली जाइछि 2019 साधारण निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी एटी 35% रु अधिका विधायक आसन देइतला। भारतीय जनता पार्टी प्रथम दिन रु केंद्रीय राष्ट्रीय नीति अनुसार ए प्रथम दिन रु ए वर्ग को तार अधिकार प्रदान करछि दलीय सूत्र तो से आज पर्यंत पिला मानंकु चाकरी क्षेत्र रे हौ किंबा एथेरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे हो संरक्षण दिया जाउने। आज 12 घंटिया सैंतला बंद डाकरा दीचे ब्लॉक कांग्रेस कमिटी। राज ने बिगड़ी थिबार आईन श्रृंखला नारी निर्यातना ममिता मेहर हत्या घटना तार संगे बेरोजगार बागीर बहुत प्रसंग के नहीं किना बंद पालन करा जाउचे। पछुआ वर्ग के संरक्षण बाद देवार लगी आज बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस उपरे प्रतिवाद करुचे कांग्रेस। दुकान बाजार सब बंद रहीचे। दुर्नीतिखोर अधिकारी को सुरक्षा देउचन विभागीय अधिकारी। विजिलेंस साथे धरा पड़ी किना भी माड़ी बसीचन चौकी। सियाड़े बदसेक हेबा संबलपुर विजिलेंस एसपी को चिठीर उत्तर नहीं देवार पलांगी डीएफओ नीतीश कुमार। विवाद ने बलांगीर वन विभाग दुर्नीतिखोर अधिकारी को देउचे सुरक्षा। विजिलेंस साथे धरा पड़वा उतरु भी अधिकारी माड़ी बसीचन चौकी। बर्षे खेला संबलपुर विजिलेंस एसपी को चिठीर उत्तर नहीं दुर्नीति ने डूबी गलान बलांगीर वन विभाग। चारा घोटाला बनीकरण सबुथिरे दुर्नीति होउथबार बिलके काठ माफिया माने अधिकारी को हाते रखिकी जंगल सफा करि देउथबार केतनी केते अभिजोग आउचे। एंता कि हाथी दांत शिकारी को भील नाइ धरि पारबार वन विभाग। विजिलेंस हाते धरा पड़ी कि भी से ऑफिस ने अधिकारी चौकी माड़ी बसीछन। केस समया गोडुचे किंतु एक्शन नै हबार। बलांगीर वन विभाग रो एक्स जूनियर अकाउंटेंट अनंत नारायण पाणिग्राही विजिलेंस साथे 2017 मसिया अक्टोबर 30 तारीख ने धरा पड़ीथिले। केस भी हेला हेले 3 बछर हेबा चौकी माड़ी बसीछन। जंगल विभाग रो उच्च पदाधिकारी तांकु घंट गोडौछन एथरु दीर्घ 11 मास हेगला। विजिलेंस विभाग रु चिट्ठी मध्य आसीछे जे तार विरोध रे डिसिप्लिनरी एक्शन काणा निया जाइछे बोली तार जवाब भी नाई दबार उच्च पदाधिकारी। तो एथरु जणा पडुछे
जे इतरे आहुरी बड़ बड़ अफिसर संश्लिष्ट थिवार अनुमान करा जाउचे। तेणु जदि इभलिया घटना हेइचे विजिलेंस डिपार्टमेंट मूव करवार कथा एवं 5T रे राज्य सरकार मध्य बहिष्कार करवा लगी हो किंबा तांकर अगेंस्ट आईनगत कार्यानुष्ठान नवाली चेष्टा करवा कथा एवं जेन अधिकारी तांको प्रश्रय दौछन जेन अधिकारी विजिलेंस रो लेटर के खिलाफ करिछन बोली कहउछन तांकर विरुद्ध रे मध्य 5T कार्यानुष्ठान नै परबे। एबे टिके नजर पकउन इ चिट्ठी के गोला जनवरी 13 तारीख ने संबलपुर विजिलेंस एसपी बलांगीर डीएफओ को अनंत नारायण पाणिग्राही विरोध ने काण एक्शन निया जाइछे से बाबद ने जनाबार लागिर चिट्ठी लिखिथिले किंतु बलांगीर डीएफओ चिट्ठी के चापी दैछन सियाडे कार्यानुष्ठान नाइ से 7 दिन भितरे डिपार्टमेंट भितरे अदला बदली करबा के कहिछन बलांगीर डीएफओ नीतीश कुमार चेंज भी करे पारी भी बट टिके नेक्स्ट जो पर्सन आसीबे से टिके देखिबे बुझिबे केमती किसम काम होची से सेक्शन रे तो हटात जदि मु से को चेंज करे देबी से टिके डिस्टर्बेंस होबो सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रे चली पारिबे नी दैट्स व्हाई से अछि बट से वेरी सून से चेंज होबो चेंज मु कराई करबा पई भी मु गोटे कमिटी मु कॉन्स्टिट्यूट कला से कमिटी मते रिकमेंड करिबे। एबे प्रश्न उठुचे दुर्नीतिखोर अधिकारी को के देउचे सुरक्षा काई जे बरसे खेला चुप पईचे वन विभाग काई जे विजिलेंस एसपी को उत्तर नै दबा डीएफओ विजिलेंस साथे धरा पड़ला पर भी केंता चाकरी ने अछन अनंत नारायण पाणिग्राही बलांगीर नु वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत सेठ कर संगे तरुण साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। धान किना के नै किना राय सरकार कर काम आर तांकर कहुतबा कथा भितरे तालमेल नै रहबार ओ व्यवस्था लागिर बहुते चासी एबे भी समस्या सामना करूछन मंडी मानकने मिलर्स मानकर मनमानी लगी धान किना हेउतबार बिलके बयतका खेती सोउचे चासी माने तार संगे डेरी ने धान लगी रबी ऋतु लगी से माने प्रस्तुत भी हेइ नै परबार सेड़ पंचायत के वोट रे दृष्टि रखि किना नेता मंत्री माने करचो नाटकबाजी करथुबार देखबा के मिलुचे धान संग्रह समस्या के निकिना सुवर्णपुर देखमा ए रिपोर्ट। 3 परे 3 गडुचे हेले चासींकर धान नै उठबार रिश्मी है कि अर्थमंत्री निरंजन पुजारी को घेरी छन चासी माने ई दृश्य हेउचे सुवर्णपुर जिला तरभा ब्लॉक मोराडो गुछार कटनी छटनी लागि धान उठु नै थिबार अभिजो करिछन चासी मंत्री को घेरी कि मंडी अव्यवस्था बाबत ने जनै छन सौ सौ चासी माने गुटे आड़े मंडी अव्यवस्था आर गुटे आड़े मिलर्स रो मनमानी मझी ने पिसी हुचे चासी देखुन सुवर्णपुर जिला हिलुंग मंडी ने पड़ी रही छे प्राय 1500 नु 2000 धान बस्ता ठीक समय ने धान उठु नै थिबार लागि चिंता ने अछन चासी माने खाली सेत की नै से 3-4 केजी कटनी छटनी नै देले धान नै उठाबार मिलर जहार लागि बाध्य हे कि क्षति सौतबार कहि छन चासी माने। आज्ञा आपण तो देखु जों केते धान गोदा हे जे गाड़ी जे प्राय समय नु पादर नै आसबागे तार परे एक मिलर माने टिके मनमुखी भी गला नेला लखन करूजन कोटनी छोटनी भी करूजन चासी मान को बहुत परेशान भी करूजन देखुन जे सरकार कहजन जे बिना कोटनी रे धान जीवा किंतु मिलर माने आसीकरी कोटनी करी करी नवजन के 2 केजी 3 केजी एंता बोलकर परेशान भी करूजन आमको सेटा टॉर्चर भलिया लागुजी। मात्र 14,000 चासी को धान क्रय करजन सरकार 63,000 चासी को धान क्रय करबा कथा बर्तमान सुधा ताने सरकार आंतरिकता नैन अनेक जगार बर्तमान सुधा मंडी नै खुलबार ताल अन्य पक्ष चाषी द्वितीय क्रप लगी ताने प्रस्तुत हो तार क्षेत्र धान नै उठवा से सेकेंड क्रप करवा केन्दी राज्य सरकार प्रहसन करुचन खाली गुटे मंडी दृश्य नै से जिलार बहुटे मंडी ने एंता अवस्था जिला ने मोट 63,585 जन चाषी पंजीकरण करथिले हेले आइस तक मात्र 14,601 जन चाषी निजर धान बिकिछन याडे एंता चलले रवि फसल लागि केंता प्रस्तुत हेमु बोली कहिछन चासी माने। यहाँ आमे चास करू 15-18 एकड़ बाकी चास धान बिकला लगे बहुत हैरान पाऊ से धान बिक्री कले ना बिक्री हबार के बहुत कटनी छटनी कर दौन केतला हाथी आसिकी मारी दौन तो केतला बढ़ी आसिकी खराब हो जाऊ जेन दूरा बचौन से बिकी भांगी आम ना पार्बार के सरकार इरा गोटे मधुचंद्रिका देखौन बोली भावुन ये पहला कही दौन जे नाई कटनी छटनी ना हुए इलेक्शन अच्छे आर काना अच्छे ये बाहा बाहा गुटे खाली नवाल ले समाने जाएगी कोई दोजन किंतु कटनी छटनी कहना कितने हो जे
3 kg 4 kg ଲେଖାନ କଟନି ବି କରୁଛନ୍, ମନିଛା କଟନି କରୁଛନ୍, ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ ସରକାର, ଆର୍ ଇହାଦେ ଆମକୁ ଜବରଜାତ କରୁଛନ୍। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ରୋକ ପୋକ, ଫେର ଏବେ ମଣ୍ଡି ଚିତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗବା ଆର୍ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ ବିନକାନୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଗକେ ବି ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟେନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାରକ। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଆଡ଼ୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକେ ଥିବା କନକ୍ଲେଭ୍ର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୁ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରୀ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକିନା ବିଜେଡ଼ି ଲାଗି କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍। ଗୋମାଫିଆଙ୍କର କବ୍ଜା ନେ କଲାହାଣ୍ଡିର ମୁଖିଆ ରାସ୍ତା ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲୁଛେ ଗାଈ ଚାଲାଣ, ହେଲେ ସବୁ ଜାନିକିନା ଚୁପ୍ ବସିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖମା ଏଇ ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକେ ଆପଣ ଗାଈ ଆଣୁଛନ୍, କେତେ ଲେଖା ଗାଈ ଆଣୁଛନ୍? କିଣିଲେ କମ୍ ନେ ମିଳୁଛି, କିଣିଲେ 1500 2000 3000 ଏମିତି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯାଉଛେ, ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ଯାଉଛେ? ହଁ, ସେ ମନ୍ କରା ଯାଉଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ହେନେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛେ ଗୋ ଚାଲାଣ, ହବ୍ ପାଲଟିଛେ କଲାହାଣୀର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ଥାନା ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ରାଜ ବାହାରକେ ଯାଉଛେ ଗୋରୁ, ଗୋ ଚାଲାଣ ଅଟକାବାନେ ଫେଲ ପ୍ରଶାସନ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କର କବ୍ଜାନେ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ, ହେଲେ ସବୁ ଜାନିକିନା ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। କଲାହାଣୀର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରନେ ବସି ଗାଏମାନଙ୍କର ହାଟ, ଯେନେ ଜୟପାଟନା ବଜାରନୁ ଢୁଲୁଘାଟି ମହୁଲ ପାଟନା ଘାଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଇକିନା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ର ବଙ୍ଗାଲକେ ଚାଲାଣ ହେସି ଗାଏ। ସେନ୍ତା ଧର୍ମଗଡ଼ ବଜାରନୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମ୍ପାଣି ଥାନା ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ବହୁଟେ ଗାଏ ବାହାର ଆସ୍କେ ପଠାଯାଇସି। ଜୟପାଟନା ଧର୍ମଗଡ଼ କୁକ୍ସାରା ଆମ୍ପାଣି ପୁଲିସ ଆଙ୍କ ଆଗେ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଗୋରୁ ମାଂସ ଚମଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜକେ ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ସହାୟତା ନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାନୁ ବାଂଲାଦେଶକେ ପଠାଯାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକେ ଆପଣ ଗାଈ ଆଣୁଛନ୍, କେତେ ଲେଖା ଗାଈ ଆଣୁଛନ୍? କିଣିଲେ କମ୍ ନେ ମିଳୁଛି, କିଣିଲେ 1500 2000 3000 ଏମିତି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ବେପାରୀ ମାନେ କେନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛନ୍? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଁ ମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ମାନେ ବସୁଛନ୍, ଡୁଙ୍ଗରିଆ ଗାଁ ମାନେ ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯାଉଛେ, ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ଯାଉଛେ? ହଁ, ସେ ମନ୍ କରା ଯାଉଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ହେନେ ଗାଈ ଗୋଟେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରନ୍, ସେହିପରି ଏଇଟା ଜଘନ୍ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବି ମିଶିକରି ଏ ଗାଈ ରେକେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବି ହାତ ଅଛି, କିରା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲାଖ ଲାଖ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ କଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଗର ହିନ୍ଦୁ ଖୁନ ଆଗର ଏକୃତ ହୋଇକରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସିଆଡ଼େ ଗୋ ମାଫିଆ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିଥିବାର ଲାଗି ଗୋ ଚାଲାଣ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋ ଚାଲାଣ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାଇପାରେ ବୋଲି ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ତ ଏଇଟା 3 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଏଠି, ଗୋଟେ କଲମପୁର, କୁକ୍ସରା, ଜୟପାଟନା, ଏଇ 3 ବ୍ଲକ୍। ଜୟପାଟନା ତ କ୍ୟାଟେଲ ମାର୍କେଟ୍ଟା ମେନ୍ ମେନ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟା, ଏଥିରେ ଚାରିପାଖ ଏରିଆରୁ ଆସିକି ବିକୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଗୋ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ 1960 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆଇନ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋମାତା ତସ୍କରୀମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋ ଚାଲାଣ ଅଟକାବାର ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କମି ଅଛେ, ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ଚୁପି ଗୋ ମାଫିଆମାନଙ୍କେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛେ। କଲାହାଣୀ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ନୁ ଭାରତ ବିସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଇଜନେ ପଡ଼ିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜ ଆର୍ 4 ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍। ଇଟାକେ ମିଶାଲେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8 ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 2 ନାଇଜେରିଆନୁ ଫେରିଥିବାର ବେଳେ ଜଣେ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଆର୍ ଜଣେ UAE ଫେରନ୍ତା ଅଛନ୍। ଆଗନୁ ନାଇଜେରିଆ ଆର୍ କତାର ଫେରନ୍ତା ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଟାଉନସିପ୍ରେ କରୋନା କଟକଣା ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ December 25 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ତକ ବିହାଗର ପିକନିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଟାଉନସିପ୍ରେ ରହୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମନେଇଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଟାଉନସିପ୍ରେ ମଞ୍ଚାଭିଲ୍ ବନାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ମୁହେଁ ନା ମାସ୍କ ଥିଲା ନା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିଛି ବି ନାଇଥାଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁରକେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମହାନଦୀ ସେତୁର ଆଲୋକୀକରଣର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଆର୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଇ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇକିନା ଫିତା କାଟିଛନ୍। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ହିକୁଡ଼ିଠାନେ ଥିବାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ ସେମାନେ। ତାର୍ ଦ୍ୱାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ ରାୟତିନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ବୋଲିକିନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୀଠଠାରେ ଡୁମାଲ ଜାତି ସମାଜ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଆଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ସେନାର ଆବାହକ ଥବୀର କର୍ମୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଇନଜୀବୀ କହ୍ନେଇଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ବାଉଁଶୁଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଭାପତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଗ୍ରୁପ୍ର କଳାକାରମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କି ଇନ ରଖମା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।